और कोलकाता से बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, महिला डॉक्टर की हत्या की जांच सीबीआई के हाथ में जाने के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट और वर्तमान में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के उपाधीक्षक अख्तर अली ने वारदात के वक्त अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने संदीप घोष पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि संदीप घोष छात्रों को फेल कर देते थे, साथ ही टेंडर देते वक्त 20% कमीशन भी लेते थे। अख्तर अली के मुताबिक संदीप घोष गेस्ट हाउस में छात्रों को शराब भी मुहैया करवाते थे, तो बेहद गंभीर और संगीन आरोप संदीप घोष पर इस वक्त लग रहे हैं। आदमी है वो आजकल मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफ़र हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे, मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपने पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा है बाउंसर लेके चलते हुए किसी प्रिंसिपल को अपने। और बड़ी खबर कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस से जुड़ी हुई, सीबीआई के हाथ में अब ये केस आ चुका है। एक्शन मोड में सीबीआई नजर आ रही है और आज सुबह सुबह सीबीआई की टीम कोलकाता भी पहुंची और अब से बस थोड़ी ही देर पहले आरोपी संजय रॉय को कोलकाता से सीबीआई दफ्तर लाया गया। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने और इस वारदात पर पूछताछ और भी तेज कर दी गई है। माना जा रहा है कि सीबीआई अस्पताल के स्टाफ और परिवार के लोगों के बयान भी दर्ज कर सकती है। बेहद बारीकी से अब इस पूरे मामले की तफ्तीश का दायरा बढ़ चुका है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की जांच का एक एंगल यह भी होगा कि क्या रेप के इस जघन्य वारदात में एक ही शख्स शामिल था या फिर उससे ज्यादा आरोपी थे जिन्होंने इस दरिंदगी को अंजाम दिया। और इसके साथ ही सीबीआई पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी बातचीत करेगी। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, कोलकाता में लेडी मर्डर जिस तरह से किया गया, एक डॉक्टर का मर्डर किया गया, 3 से 5 का ये वक्त सुबह का बताया गया जब इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। आरोपी भले ही गिरफ्त में हैं लेकिन इस बीच कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। ऐसे में सवालों की लंबी फहरिस्त तो आरोपी के पास यहां पर पूछने के लिए सीबीआई टीम के पास है ताकि वो आरोपी से उन सवालों का जवाब ले सके, पर और भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। बहरहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच गई है लेकिन इस पूरे मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है जो राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने क्या कहा है, ध्यान से आप सुनिए। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई को सौंपने में देरी क्यों की जा रही है, ये केस आप कोर्ट को कैसे आश्वस्त करेंगे कि जांच पारदर्शी होगी, कैसे माना जाए कि कोई सबूत नष्ट नहीं किया जाएगा, क्या आपने एक विशेष जांच दल गठित की है, ये भी यहां पर सवाल है ममता सरकार से। कोर्ट ने राज्य सरकार से ये भी पूछा कि आपने डॉक्टरों को क्या आश्वासन दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से सीलबंद लिफाफे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। ये तमाम सवाल हैं जो हाईकोर्ट ने ममता सरकार से पूछे हैं जिनके जवाब चाहिए। तो वहीं महिला डॉक्टर के माता पिता ने कोर्ट के सामने मेडिकल कॉलेज पर कई गंभीर संगीन आरोप भी लगाए। और क्या आरोप है आपको बताते हैं, कॉलेज से महिला डॉक्टर के माता पिता को जो पहला फोन आया उसमें बताया गया कि उनकी बेटी बीमार है। दूसरा कॉल आया, उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। दूसरे कॉल के जरिए यह कहा गया, अस्पताल पहुंचने पर माता पिता को शव देखने के लिए 3 घंटे का लंबा इंतजार करवाया गया। डॉक्टर के माता पिता को एक फोन आया जिसमें उन्हें मुंह बंद रखने तक के लिए कहा गया और समझौता करने का दबाव यहां पर बनाया गया। वहीं राज्य सरकार को फटकार लगाने के बाद हाई कोर्ट ने इस केस में अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने जो कहा उससे आप पूरी घटना में किसने कहां लापरवाही की बहुत आसानी से समझ जाएंगे। दरअसल कोर्ट ने कहा कि मामले को छिपाने की पहली कोशिश की गई, जांच के बिना ही महिला डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या घोषित कर दिया गया। साथ ही सुनिए क्या कहा, प्रिंसिपल ने मृत महिला डॉक्टर को ही दोषी ठहरा दिया। प्रिंसिपल ने मृत महिला डॉक्टर को मनोविकृति का शिकार तक बताया। ये सब कुछ कहा गया कोलकाता कांड पर कोर्ट की अहम टिप्पणी अब सामने आ चुकी है।
और समझिए कोलकाता में महिला डॉक्टर से जो हैवानियत आई वो हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आ गया है। 9 अगस्त का ये वीडियो वारदात के बाद का पहला वीडियो है जिसमें दरिंदगी का शिकार हुई महिला डॉक्टर का शव दिखाई दे रहा है। रूह कपा देने वाली ये वारदात देखिए किस तरह से सामने आई है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इसे धुंधला करके आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन इस धुंधली तस्वीर के पीछे बहुत बड़ा सच, बहुत बड़ी दरिंदगी छिपी हुई है। उस वक्त सेमिनार हॉल का हाल भी इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अस्पताल के अंदर का ही ये वो कमरा है जहां महिला डॉक्टर दरिंदगी का शिकार हुई, उसके साथ हैवानियत की गई, उसे मौत के घाट उतारा गया। हॉल अस्त व्यस्त नजर आ रहा होगा, चीजें बिखरी नजर आ रही होंगी। डॉक्टर से हुई दरिंदगी के निशान कमरे में हर जगह हर कोने में दिखाई दे रहे हैं, जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि इंसानियत किस कदर शर्मसार यहां पर हुई होगी। और अब CBI इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरा देश उम्मीद यही कर रहा है कि जिंदगी देने वाले कब आखिर सुरक्षित होंगे, जिन सवालों के साथ वो सड़कों पर उतरे थे उसके जवाब भी मिले, और साथ ही साथ जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर मर्डर केस पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। CBI जांच यानी कि जांच का दायरा बढ़ चुका है, जाहिर सी बात है। CBI इस पूरे मामले को लेकर कई एंगल से अब अपनी तफ्तीश में जुट गई है। एंगल अब ये भी सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रहा है कि क्या इस दरिंदगी को सिर्फ उसी शख्स ने अंजाम दिया जो इस वक्त सलाखों के पीछे है, या फिर कुछ और भी इसके पीछे बहुत बड़ा खेल हुआ है। बहरहाल CBI जांच के बीच देश भर के अलग अलग शहरों में डॉक्टर्स की हड़ताल की तस्वीरें आप तक पहुंचा देते हैं। ये चार तस्वीरें हैं। दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में आज भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से कुछ सेवाओं के प्रभावित होने की खबर है। लोग इलाज के लिए परेशान जरूर हैं, लेकिन इंसाफ की मांग इन डॉक्टर्स के जरिए की जा रही है। सफदरजंग अस्पताल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहाँ डॉक्टर्स को आप प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए देख रहे हैं। ये सफदरजंग अस्पताल के तमाम डॉक्टर हैं जो अपने ही अस्पताल के अंदर आज ये मार्च निकाल रहे हैं। जिस तरीके से बंगाल में डॉक्टर की घटना सामने आई है, उसके बाद ना केवल दिल्ली बल्कि देश भर के जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनके मन में आक्रोश है। और ऐसे में दिल्ली के तमाम बड़े अस्पतालों की बात की जाए, चाहे वो एम्स हो, सफदरजंग हो, RML हो, वहाँ इसी तरीके से डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सफदरजंग अस्पताल की, जहाँ पर लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर है। इलेक्टिव सर्विसेज, OPD, इन सब की सेवाओं को यहाँ पर बंद किया गया है। और आप देख रहे हैं कि सफदरजंग अस्पताल के अंदर ही प्रोटेस्ट मार्च करते हुए ये डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर्स के साफ तौर पर दो डिमांड्स हैं, जिसमें उनका कहना है कि एक तो जो अपराधी है उसे जल्द से जल्द सज़ा हो, एक निष्पक्ष जांच हो और अपराधी को जल्द से जल्द सज़ा हो। दूसरा, डॉक्टर्स चाहते हैं उनको मिले सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत वो भी अपने वर्क स्पेस में सेफली काम कर पाए। कैमरा पर्सन विमल के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।